everyone, this is Vishwa and welcome back to my channel. I hope all of you are doing great. So I'm back with another haul video. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम अमेजिंग ड्रेसेस फ्रॉम अमेजोन. तो ये जो वीडियो है दूसरे वीडियो से थोड़ा अलग रहने वाला है क्योंकि मैंने इस बार जो सारे ड्रेसेस सिलेक्ट किए हैं वो अमेजोन के टॉप सेलर्स में से है. उन सारे ड्रेसेस का जो रेटिंग है वो 4+ स्टार है. सो दिस टाइम आई वॉज एक्साइटेड कि भाई मैं कुछ ऐसा करूँ क्योंकि ये जो सारे ड्रेसेस हैं मैं जब भी अमेजोन खोलती हूँ ना 2 से 3 ड्रेसेस मुझे दिखते ही है. सो आई वॉज लाइक आपको भी ये सारे ड्रेसेस रिकमेंडेशन में आते होंगे सो आप भी थोड़ा कन्फ्यूज होते होंगे कि भाई ये लेना है नहीं लेना है. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड इफ यू लाइक कंटेंट रिलेटेड टू फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स देन प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाइट और ब्लू स्ट्राइप्स में है तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा था. इसकी पैटर्न बहुत ज़्यादा क्यूट थी सो आई वॉज लाइक एक ट्राई तो बनता है. तो यहाँ पे आपको ऐसी बलून स्लीव्स दी हुई है दोनों साइड पे एंड पीछे ये की होल भी दिया हुआ है तो आप अच्छे से नेकलाइन को फिट कर सकते हैं. आगे आपको राउंड नेक मिलता है और यहाँ पे आगे कुछ ऐसी कटआउट वाली पैटर्न है. आपको ट्रायन पार्ट में वो क्लियर दिखेगा. पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. इट्स अ परफेक्ट ड्रेस फॉर ब्रंच वीकेंड से वेकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये ड्रेस पहन सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है पहनने के बाद एंड आई एम इन द साइज मीडियम. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो भी ड्रेसेस शेयर करूँगी वो सारे 600 रुपीज के अंडर है. सो दिस इज गोइंग टू बी ए अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली वीडियो. सो नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल लाइलैक कलर ड्रेस. मतलब अगर ये ड्रेस की बात करूँ ना ये मुझे इतनी बार दिखा है एंड आई वॉज सो टेम्पटेड ऑल द टाइम कि भाई ये ड्रेस बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है. इसमें ये जो ड्रेस का जो टेक्स्चर है ना लाइक मटेरियल का टेक्स्चर वो बहुत ज़्यादा यूनिक था. सो मुझे ऐसा होता था भाई ये तो ट्राई करना ही है. सो अगर हम कलर की बात करें तो कलर थोड़ा लाइट है. मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इससे थोड़ा डार्क होगा. पहनने के बाद ये कलर ही ऐसा है कि थोड़ा डल लगता है बट इसकी पैटर्न बहुत ज़्यादा यूनिक है. पहनने से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. मैंने इसे भी मीडियम साइज में मंगवाया बट ये थोड़ा लूज़ है बट लाइक मैनेजेबल. इतना भी ज़्यादा लूज़ नहीं है तो अगर आप मीडियम या लार्ज पहन देना देन गो फॉर मीडियम साइज. तो यहाँ पे आपको एक स्लिट भी दी हुई है. पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है. फिटिंग भी इसका बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है. मटेरियल इज ऑल्सो सूदिंग. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ये भी 600 या 650 के अराउंड था. ये सबसे ज़्यादा महंगा था. बाकी सारे ड्रेसेस 600 के अंदर है बट हाँ मुझे ये लाइक क्लासी ब्यूटीफुल ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है. बस थोड़ा डल कलर है. तो अगर हम रेटिंग की बात करें तो अगर मुझे इसे रेट करना है आई विल गिव 4.5 out of 5. इसे भी मैं 4.5 दूंगी. मुझे इसका कलर थोड़ा डल लगा बस इसीलिए. बाकी इसका फिटिंग बहुत अच्छा है. नेक्स्ट अप इज दिस ब्यूटीफुल मजेंटा पिंक कलर ड्रेस. तो ये भी अमेजोन पे इतना ज़्यादा ट्रेंडी है. मतलब इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे पर मुझे ये वाला कलर बहुत यूनिक और बहुत स्मार्ट लगा तो मैंने ये वाले कलर में लिया है. तो इसमें भी मेरी साइज मीडियम है, थोड़ा लूज है तो आई थिंक मैं इसको एक्सचेंज करके स्मॉल में लूँगी. बट इसका फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल ड्रेस है. फुल स्लीव्स मिल जाएगी और ये मैश डिटेलिंग वाली स्लीव्स है. पूरे में आपको एक लाइनिंग मिल जाता है तो इतना ज़्यादा सी थ्रू नहीं है. पीछे जिप भी दी हुई है सो कंफर्टेबल है. इसका नेक भी इतना ज़्यादा डीप नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस ड्रेस इज़ कि ये जो पोर्शन है ना वो थोड़ा और लंबा होता तो और ज़्यादा बेटर लगता. अदरवाइज दिस ड्रेस इज़ अमेजिंग. इट्स अ परफेक्ट ड्रेस. ये भी कुछ 550 something के अराउंड था. लव द कलर ऑफ दिस और पहनने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. सो डेफिनेटली गोना कीप दिस बट आई एम नॉट श्योर कि ये साइज में रखूँगी. मैं इसे सोच रही हूँ कि मैं एक साइज नीचे मंगवाऊँ. मीडियम मुझे थोड़ा लूज हो रहा है सो या अगर इसको रेट करने की बात आए देन आई थिंक अगेन 4.5. बस मुझे वो आगे का पोर्शन थोड़ा लाइक अजीब लगा दैट्स वाई. बट हाँ फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है. पहनने के बाद स्मार्ट लगता है, कंफर्टेबल भी है. सो नेक्स्ट ड्रेस इज काइंड ऑफ डिजास्टर फॉर मी. मतलब ये ड्रेस से मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इन ब्लैक कलर. मतलब ब्लैक कलर में अगर कोई भी ड्रेस है ना इट कैन नेवर गो रॉन्ग. तो मैंने ये मंगवा ली. इसकी पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी. इसमें भी ये मैश वाली डिटेलिंग दी हुई है स्लीव्स में. यहाँ पे आपको ऐसे रफल स्लीव्स मिल जाती है. पूरे ड्रेस में एक लाइनिंग भी है तो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस ड्रेस इज़ कि ये एक्सट्रीम शॉर्ट है. तो अगर आप 5'1" या 5'2" है तो
तो आपको ये ड्रेस अच्छी लगेगी. अदरवाइज लाइक इफ़ यू आर बियॉन्ड 5'3" देन दिस ड्रेस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, मतलब इट्स वेरी शॉर्ट, मतलब आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. द ओनली इश्यू इज़ विद द लेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इससे, बट दिस आई एम डेफिनेटली गोना रिटर्न क्योंकि एक्सट्रीम शॉर्ट है तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है. बट हाँ, इसका मटेरियल क्वालिटी लुक सब कुछ बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ नॉट फॉर टॉल गर्ल्स. सो इफ़ यू आर अ शॉर्टी देन दिस विल लुक बॉम ऑन यू. तो अगर हम इसके रेटिंग की बात करें देन आई विल गिव 4 out of 5. आई हैड literally high expectations from this dress but disappointing for tall girls. So next dress is again a flop dress. मतलब ये dress भी इतना ज़्यादा मुझे दिखा था recommendation में, suggestions में देखो तो ये वाला dress हर बार आता था. So I was like let's give it a try. मैंने try on सबका देखा, नीचे photos और सब कुछ देखे, ठीक ठाक लग रहा था, but पहनने के बाद मतलब मुझे इतना ज़्यादा body पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. Let me just show you the dress. सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये एक टायर्ड ड्रेस है. तो अभी ऐसे फ्लोरल प्रिंट वाले ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. इसका जो कलर और प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. शो यू द कलर एंड प्रिंट, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा है. मटीरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर टू कीप दिस ड्रेस. फिटिंग भी इसका बहुत अच्छा है, बट उसका जो फिनिशिंग है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे ऊपर. सो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड वेदर टू कीप दिस ड्रेस. तो ये भी मैंने मीडियम में मंगवाया है, बट यहाँ पे इट इज़ रिटर्न स्मॉल. आई होप यू ऑल कैन सी. तो आप एक बार साइज चार्ट अच्छे से देख लीजिएगा. तो अगर आप शॉर्ट है तो ये आपको लिटरली मैक्सी ड्रेस होगा क्योंकि ये मुझे मीडी लेंथ आता है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर शुड आई कीप दिस ड्रेस और नॉट. ये 500 rupees के अराउंड ही था, इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है बट इतना भी ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगता. सो आई एम रियली कन्फ्यूज. तो रेटिंग की बात आए तो आई गिव 3.5 or 4 out of 5. मटीरियल सब कुछ अच्छा है बट वो फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं है. सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और एक माई होल स्टोर का भी लिंक होगा जिसमें सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो. देन प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.